Hello friends, welcome you all on my YouTube channel on environmental science. आज हम environmental science का एक और topic का numerical solve करेंगे. इस topic से numerical November 2017 में पूछा गया था. यह topic है environmental chemistry. Question को देखने से पहले मैं दोस्तों आप सबसे request करता हूँ कि आप मेरे channel को like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए ताकि आपको और आपके दोस्तों को मेरे channel की latest video मिलती रहे. देखते हैं क्वेश्चन जो नवंबर 2017 में पूछा. क्वेश्चन पहले हम रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. 25 डिग्री सेल्सियस एंड वन एटॉमिक प्रेशर 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इज इक्विवेलेंट टू. बेसिकली इसमें हमें क्या करना है, 1 ppm कंसंट्रेशन को कन्वर्ट करना है माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब. तो हमें चार ऑप्शन गिवन है, 1310 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, 1826, 2620 एंड 5240 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब. तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. जैसे हमें क्वेश्चन में दिया था कि 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटॉमिक प्रेशर, तो एज पर PVnRT दैट इज आइडियल इक्वेशन वी कैलकुलेट, वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस दैट इज 24.5 लीटर. अगर आपको इसका डिटेल कैलकुलेशन चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करके बोलें, तो मैं इसके ऊपर आपको एक और वीडियो बना के एक्सप्लेन करूंगा. तो इसमें फॉर्मूला यूज होगा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 इज 64 ग्राम पर मोल. ये हम निकाल सकते हैं, S इज इक्वल टू 32. S का हमारा मॉलिक्यूलर वेट होता है 32 और ऑक्सीजन का हमारा होता है 16. तो इसे हम निकाल लेंगे इजीली, 32 प्लस 2 इंटू 16 यानी 32 प्लस 64. तो जो हमारा फॉर्मूला है दोस्तों, ये हम फॉर्मूला इसमें यूज करने वाले हैं. तो आप इस फॉर्मूले को दोस्तों ध्यान से देखिएगा. इस फॉर्मूले में जो यूनिट है वो आपको याद रखनी है ताकि जो आपका कन्वर्जन करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो. अगर आपको यूनिट कोई दूसरे उसमें दी गई होगी तो आपको कन्वर्ट इन्हीं यूनिट में करना है, तब आपका ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा. अगर दोस्तों आपको इस फॉर्मूले का डिटेल्ड डेरिवेशन चाहिए होगा या इसको समझना होगा तो आप मुझे कमेंट में लिख देते हैं, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो आपके लिए बना दूंगा. तो अब जो हमारा PPM है उसको हम करेंगे, फॉर्मूले को देखते हैं कैसा है. कंसंट्रेशन माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब गैस की जो है SO2, ये हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस दैट ऑक्यूपाइज 24.5 लीटर पर मोल. ओके, और फिर उसके बाद हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 जो हमने निकाल दिया 64 ग्राम, और ये हमारा 1000 कन्वर्जन करने के लिए लिया है. देखिए दोस्तों, आपको माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में कंसंट्रेशन की यूनिट मिलेगी या फिर आप पुट करेंगे. मॉलिक्यूलर वेट आप ग्राम पर मोल में ही लेंगे और आपका जो है वॉल्यूम वो लीटर पर मोल में ही रहेगा. अब फॉर कन्वर्जन पर्पस आपको यहाँ पे 1000 जो हमारा लीटर है वो उसको हम लीटर इन डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब इनटू ग्राम इसमें हम रखेंगे. आपको ये याद रखना है सारा यूनिट बाय यूनिट. तो अब हम वैल्यू रख पुट कर लेंगे इसमें, तो 1 ppm इंटू 64 ग्राम. अगर हमने रेंज के लिए इस कंसंट्रेशन को हम ऊपर ले आए तो हमारा जो होगा मॉलिक्यूलर वेट चल जाएगा ppm के साथ और डिवाइड बाय 24.5 लीटर पर मोल. तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू होगा 2612.4, जो हमारा सी ऑप्शन 2620 है उसके नियर बाय है. तो ये हमारा ऑप्शन. धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करें. धन्यवाद.